भारत बंद का मतलब होता है दुकानें बंद, रेल बंद, गली सड़क और ये हाईवे बंद, सब कुछ बंद। लेकिन भारत बंद में सब कुछ बंद नहीं होता है, कुछ चीज़ चालू भी होता है, जैसे तोड़फोड़ चालू, दंगे चालू और आगजनी चालू, लूटपाट चालू। तो ये सब फिर से होने वाला था, मतलब होने वाला है अभी भी। 10 तारीख को सवर्णों ने, अगड़ी जातियों ने बुला रखा है भारत बंद, ताकि आरक्षण हटाया जा सके, इसके लिए ज़ोर शोर से कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके पहले ही पीएम मोदी जो है 10 तारीख को इस पूरे बंद की धज्जी उड़ाने वाले हैं। अच्छा, होने वाला ये है कि बिहार में जो मधेपुरा है ना, वहाँ पर एक इंजन फैक्ट्री है, रेलवे इंजन फैक्ट्री, तो वहाँ पर एक 12,000 हॉर्स पावर वाला बहुत बड़ा इंजन तैयार हो गया है, उसको हरी झंडी देने वाले हैं 10 तारीख को। बंद तब कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा। ये इंजन बिजली से चलेगा और इसके साथ ही हम रूस, चीन, जर्मनी, स्वीडन, इन सबके बराबर हो जाएंगे। कहा कि अभी तक इन्हीं लोगों के पास था वो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन, हमारे पास भारतीय रेल के पास सिर्फ 6,000 हॉर्स पावर का इंजन है, सबसे ज़्यादा वाला। तो पीएम मधेपुरा जाएंगे, वहाँ पर फ्रांस की कंपनी जो है एक एल्स्टॉम, उसके और भारतीय रेल के जॉइंट वेंचर से ये बन रहा है। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है भाई साहब, और 11 साल में तकरीबन 800 ऐसे हाइब्रिड इंजन बनाने का प्लान है, जो इनकी क्षमता लगभग दौड़ने की स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर के आसपास रहेगी प्रति घंटे के हिसाब से। तो अंदाज़ा लगा लो कि कितना ज़्यादा टाइम बचाएंगे, कितना ज़्यादा भार ढोएंगे, सब उसी पर निर्भर है। तो एक तरफ तो ये बहुत बड़ा वाला इंजन लॉन्च होने वाला है, और दूसरी तरफ जो देश के सवर्ण हैं वो आरक्षण हटाने के लिए भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, और ओबीसी को भी जोड़ लिए हैं इसमें। ओबीसी जनरल प्लस ओबीसी लिख के पोस्टर छप रहे हैं भाई साहब, लेकिन ओबीसी लोग जो है इसमें पल्ला झाड़ लिए हैं। और इसके साथ ही ये भी बता दें आपको कि पीएम मोदी भले खुद को दलित माँ का बेटा कहे, लेकिन उनको भी जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे बीजेपी ने ओबीसी ही कहकर प्रोजेक्ट किया था। तो जब मोदी जी ही रेल रोकने की बजाय उसका इंजन आगे बढ़ाए दे रहे हैं, हरी झंडी दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे होगा भारत बंद? एक और मजे की बात, भारत बंद का आह्वान कर रहे लोग जो पोस्टर वोस्टर शेयर कर रहे हैं, बढ़िया से फ़ोटो बना के फोटोशॉप पे शेयर कर रहे हैं, वो उसमें अमित शाह की फ़ोटो लगा रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल है हमारे साथ। लेकिन यार होमवर्क बिल्कुल नहीं करते हैं ये लोग। अमित शाह ने अभी 4 तारीख को, इसी 4 अप्रैल को भरे मंच से कहा था कि भाजपा ना तो आरक्षण हटाएगी ना तो हटाने देगी। अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन को हटा लेगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बड़ी सभा में 50,000 से ज्यादा लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी न रिजर्वेशन हटाएगी ना किसी को रिजर्वेशन हटाने देगी। ये लोग बिल्कुल मतलब बिना होमवर्क किए आ जाते हैं यार। तो हमारा कहना ये है कि भारत बंद करो, अगर करना है तो कर लो, जाके अपने दुकान मकान बंद कर लो, शटर गिरा के अंदर घुस जाओ, बैठे रहो। लेकिन भारत बंद करने का मतलब ये राजनी आगजनी दंगा पंगा मत चालू करो यार, तोड़फोड़ मत चालू करो, बंद का मतलब बंद ही रहने दो, फिर ऐसी चीज़ें मत करो। और हमारे वीडियोज ऐसे ही देखते रहो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज को लाइक कर लो।